लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। सपा ने इस बार सुरेंद्र कुमार मुन्नी पर अपना दावा आजमाया है। लोकसभा चुनाव को लेकर गाजियाबाद लोकसभा में जहां लगातार लोकल प्रत्याशी के नाम की ही आवाज उठ रही थी, वहीं गठबंधन ने अपना लोकल प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार मुन्नी के रूप में घोषित कर दिया है। गाजियाबाद में लगातार 10 साल से बाहरी सांसद होने से कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसके चलते इस बार मांग स्थानीय सांसद की थी, जो गठबंधन ने अपने प्रत्याशी के रूप में पूरी की है। मेरे पास नंबर नहीं है, वरना फोन कर लो। चिंता ना करो, फाइनल हो चुका है, बिल्कुल चिंता ना करो। क्या कहेंगे? ठीक है, चिंता ना करो। मैं सबसे पहले तो परम पिता पंडित सिंह प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने गाजियाबाद के समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के तीनों पार्टी के लोगों की भावनाओं को भगवान ने आदर करते हुए सम्मान पूर्वक ये टिकट कराया। दूसरा, मैं अपनी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने विश्वास व्यक्त करके टिकट दिया। उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से जो कौरव का राजपाट है गाजियाबाद में, वो कौरव का राजपाट यहाँ समाप्त हो। दो बार से बीजेपी जीती है यहाँ से, तो इस बार आप कैसी रणनीति बनाएंगे, क्या करेंगे? ऐसा रणनीति तो बाद में बताएंगे, रणनीति तो इसमें नहीं बतानी है, लेकिन हम निश्चित रूप से वो रणनीति हमारी बनेगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी हम धूल चटाने काम करेंगे। सर, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहला हमारा विकास का मुद्दा है, लाइन ऑर्डर पूरे प्रदेश में इतना ख़राब है, इतना देश में शायद किसी कोने में ना हो जितना यूपी में ख़राब है, और यूपी में विशेष रूप से गाजियाबाद तो इतना खतरनाक लाइन ऑर्डर है जिसका जवाब नहीं है। जंगल राज तो ये कहते थे बीजेपी वाले, ये हम तो कह रहे महाजंगल राज है यूपी के अंदर लाइन ऑर्डर का। गाजियाबाद वासियों से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपने भाई का, अपने बेटे का, अपने भाई को, अपने बेटे को अपना आशीर्वाद दें, वोट दें, सपोर्ट दें। समय बहुत कम है, किसी के दरबार पे जा पाऊंगा, किसी दरबार पे नहीं जा पाऊंगा, तो सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि बिन ये सोच करके कि हम सुरेंद्र मुन्नी है और सुरेंद्र मुन्नी मान के अपना वोट, अपना 11 तारीख को वोट देने का काम करें, जिससे उनका भाई, उनका बेटा चुनाव जीते।